विपनेश के बारे में कहा जाता है कि इसके मन को कोई नहीं समझ सकता। विपनेश बहुत खूबसूरत हो, आप आ जाओ। ठीक है, थैंक यू स्वानी, और तुम खुद भी बहुत क्यूट एंड खूबसूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम्हारी कला की हम बहुत कद्र करते हैं। थैंक यू, बस यही चाहिए। मैंने इंस्टा पर देखे है, ट्विटर पे देखे है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है ये इतनी आसानी से नहीं आता, एक तपस्वी की तपस्या होती है ना, वैसे ही तुम्हारा वर्क है, आई नो। थैंक यू। जितना मैं समझ रही हूँ, अगेन विपनेश, आप कुछ चाहते नहीं हो कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आपके भी मन में एक सवाल है। हाँ, और आप मेरे को क्यों सवाल पूछ रहे हो? बट ठीक है, आपके मन में एक सवाल है। हाँ, जैसे सर के दिमाग में सवाल था, आपके मन में भी कुछ एक सवाल ही है। मैं काफी देर से वही सोच रही हूँ, और लिख के तुमने फाड़ भी दिया है उसको। मैंने लिख दिया, तुमने फाड़ दिया, पर मेरे को बताया नहीं ना, मैंने पढ़ा भी नहीं। आप क्यों बताओगे? करेक्ट, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई सेटिंग करके रखी है पहले से, या मैंने किसी से बात करके रखी होगी, तो मैं हमेशा क्लेरिफाई करती हूँ, मैंने किसी से इनसे बात नहीं करा, मैंने इनको बोला नहीं है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछो, ना इन्होंने मुझे बताया। और वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी सच्चाई स्टेक पे क्यों लगाएगा मेरा करियर बनाने के लिए? लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से मुझे मालूम होना कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है, वो असंभव नहीं है। करेक्ट? करेक्ट, पर हम कोशिश करेंगे। डेफिनेटली स्वानी को तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते। आपके मन में एक सवाल है। अभी मैंने उनसे बात करी, उनके मन में कुछ नंबर्स थे। आपके दिमाग में भी नंबर्स चल रहे हैं। पहला नंबर आपके दिमाग में 21 है, दूसरा नंबर 22 है, तीसरा नंबर 23 है। ये तीन नंबर्स आपके दिमाग में। She's correct. 21, 22, 23. Yes. क्या आपका सवाल है कि 21, 22 तो अच्छा गया, लेकिन 23 में क्या होने वाला है मेरे जीवन में? ऐसा कुछ सवाल है आपका? My God, amazing. जोरदार ताली, जोरदार ताली. That's great. हाँ, ये था कि 23 कैसा रहेगा? लोग जो ये भविष्य जानना चाहते हैं मेरे से, मैं आपका जो न्यूज 24 चैनल, जिसको इतने सारे लोग देखते हैं, उसके माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगी। जो उन्होंने भी जो मन में सवाल पूछे मेरे लिए, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे। आपका जो मन में सवाल आया मेरे लिए, जैसे मेरे को देखा आपने, आपने एक सवाल सोचा कि सुहानी मेरे को बताओ यार कि मेरा ये साल कैसा जाएगा, तो मैं आपके सवाल बता सकती हूँ कि आप क्या सोचा, आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आपको और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, किसी को कोई नहीं बता सकता, वो ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपका भविष्य, मैं आने वाला कल नहीं जानना चाह रही थी, बस सवाल जानना चाह रही, सवाल जानना चाह रही। करेक्ट, करेक्ट, आप सही हो। लेकिन ये लोग पूछते हैं, तो मैं जो हमारे इस माध्यम से क्योंकि मिला, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी है कि आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। जितना हाँ लोगों के पास आप जाओगे, लोग आपको बोलेंगे सकारात्मक सोचो, ये करो ये करो, आपका हो जाएगा। इससे आपका माइंडसेट चेंज होता है, इससे आप और पॉजिटिव बन जाते हो, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आपको, आप सोच रहे हो कि कोई व्यक्ति आपको आके बता देगा कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, या कहीं लिखा है कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, या मैं ये करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो जो विश्वास आप दूसरी चीज़ों में डाल रहे हो, आपके विश्वास में बहुत ताकत है। वो विश्वास दूसरी चीज़ों में डालने की बजाय खुद पे डाल के खुद को ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। सैल्यूट टू योर आर्ट यार, रियली ग्रेट। ये इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि कोई भी धर्म है, वो आपके अंदर अगर अंधविश्वास देता है, आपके अंदर अगर कट्टरवाद देता है, तो आप उन मुल्कों की तरफ देख लीजिए जहाँ कट्टरवाद है, जहाँ पर अंधविश्वास है, उन मुल्कों का क्या हुआ। और जिस जो भी धर्म आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, वो कहाँ जाता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके अंदर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दें। जो भी चमत्कार होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई नियम है। स्वानी का अपना टैलेंट है, आर्ट है, और ये चेहरे पे स्माइल लाता है। और जब तक आपको वो नियम नहीं पता है, जब तक आपको वो नियम नहीं पता है, तो आपके लिए वो चमत्कार है। जैसे ही नियम पता लगा, फिर आप कहेंगे साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, ये केमिस्ट्री है। रवि के मन में अभी बहुत स्ट्रेस है, इसलिए मैं रवि के पास गई नहीं। रवि इतना स्ट्रेसफुल चल रहा है अभी, इट्स फुल केओस राइट नाउ इन हिज हेड। उधर विजय जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी आप उनके पास। ऐसे तो सबके सबका माइंड हम अभी रीड करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं, जैसे अभी आपने कहा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं अंधविश्वास की, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि धर्म होता है इंसान को ताकतवर बनाने के लिए। कोई भी धर्म होता है, अगर हम धर्म को ध्यान से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो धर्म होता है कि हम ताकतवर बने, धर्म के माध्यम से हम और स्ट्रांग बने, हम स्पिरिचुअली एक्टिव बने, हम रिलीजियसली एजुकेटेड बने, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। किसी भी तरह से हमको कमजोर बनाने के लिए कोई धर्म बना ही नहीं है। सो वी शुड बी डूइंग दैट। एक और सवाल कि ये जो सम्मोहन की बात होती है, चलते आगे।
हिप्नोटाइज की बात होती है। रवि थोड़ा हम बैक जाएंगे। अच्छा ये विजय जी स्पेशल डिमांड कर रहे हैं, बार बार पीछे से हमें हाथ दे रहे हैं। दो मिनट में करते हैं, विल फिनिश दिस एंड डू इट। चलिए विजय जी आपके पास लौटते हैं जी। चलिए तो ये सम्मोहन की बात होती है, क्या ये वाकई में संभव है कि सम्मोहन हो जाता है, किसी से कुछ भी बुलवा दिया जाता है, कुछ भी महसूस करवा दिया जाता है? सम्मोहन विद्या जिसे हम इंग्लिश में हिप्नोसिस कहते हैं, वो एक बहुत ही अलग चीज़ हो गई। सम्मोहन हिप्नोसिस हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। जब हम किसी को बहुत अच्छा स्पीच सुनते हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, वो हिप्नोसिस है। चाहे वो अब अपने मम्मी पापा हो, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई रिलीजियस गुरु हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, वो उसे हम बोलते हैं मास हिप्नोसिस। जैसे पर्सनल भी होता है, हर तरीके हिप्नोसिस हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। अब लेकिन हिप्नोसिस हमारे माइंडसेट, जैसे मैंने क्लिनिक चलाया है गोवा में, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट रह चुकी हूँ, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है जो हिप्नोसिस से रिलेटेड है, जिसे हम क्योर करते हैं। मैं हिप्नोसिस को हिप्नोथेरेपी से रिलेट करती हूँ, और मैंने जितने भी हिप्नोथेरेपी सेशंस किए वो एस हीलिंग करे, लोगों को क्योर करने के लिए करे। मैं मानती हूँ इलाज भी होता है। करेक्ट। इनफैक्ट जब कोई, जैसे हम देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जब बोलते हैं कि, मैंने उनका एक 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 वीडियो मैंने छोटा सा देखा था उनका, जहाँ पर वो किसी से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप को कोई बीमारी है, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू रखें, जो 20% आराम मिलेगा वो मेरी वजह से मिलेगा। जो भक्त है उनको इतनी श्रद्धा है शास्त्री जी पे कि जब वो ऐसा बोलते हैं कि 20% का जो फ़ायदा है वो मेरे से मिलेगा, उनका जो माइंडसेट है जो भक्त का वो चेंज हो जाता है। वो जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हो जाती है, जो जो 20% प्रॉब्लम मेंटली होती है वो ठीक हो जाती है।